अभी इधर डेरे वगैरह पे आए थे, देखे पुरानी दीवारें ऐसे लेपते थे, आई थिंक लेपते ही कहते हैं पुरानी दीवारें नहीं लगते हैं, स्कूल तो दरख्त लग गया था, इतने ना ड्रिप इरीगेशन देसी सिस्टम है इन्होंने बड़ा वे भी थे, पानी लगाने का सिस्टम है, तालाब वगैरह बनाया, नाल इंजीर जरा खुश्क मेवा जाते बेच आती है वह दरख्त तक आया। कपास की फसल दिखाता हूँ मैं, वो साइड पे गाय वगैरह भी चल रही है, कपास भी झुकी जा रही है, इतनी दोपहर गर्मी में माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। ये देखे सारी कपास की फसल है, और ये देखे ये रुई, इससे कपड़ा बनता है रजाइयों में, सरानों में, जो तकियों में होती है। ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के कीड़े भी हैं इस पे। इधर ये मैंने देखी ये वाली डंडल, ये खिल के बाद में रुई बनती है, ये शायद ख़राब हो गई ये वाली, तो इधर ये कच्ची भी एक होगी लगी थी किसी साइड पर, ये ऊपर देखे ये भी कच्ची है, इसने खिलना। माशाल्लाह इधर जानवर देखें कितने माशाल्लाह प्यारे हैं, बकरियां हैं, गाय मिक्स है सब, देखें माशाल्लाह। मेरी तो धूप में वैसे ही चल चल के बस हो गई है, जो इधर कपास चुग रहे हैं उनकी हिम्मत है जो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं डायरेक्ट सूरज सर पे। वैसे भी सर्दियां भी गुजरा वाले में भी नहीं आई, लेकिन इधर तो पता नहीं क्या सूरत हाल है, इधर तो अभी भी बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा सूरज तेज होता है इधर। राणा आलिया सन साहब आवाज दे रहे थे कि इधर से चल के आओ कपास के अंदर से, मैंने आपको कोई चीज दिखानी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ। हसन साहब भी खड़े हैं जी, इधर कद्दू की बेल भी लगी हुई है अंदर, एक दो ही है तूड़ी के, जो तार होती है मैंने काफी देर बाद इतनी करीब से देखे, छोटे देखे थे अभी मैंने, ये भी गया था तो नहीं इतनी करीब से देखी थी। ये इधर भिंडी शरीफ भी लगी हुई है, एक चंद पौधे ही है इसके, बाकी खराब हो गए हैं। सीने से आप मेरी हालत देख लें कि इधर कितनी शदीद गर्मी है। वापसी पे इधर आए तो देखा कुछ जानवर पानी पी रहे हैं, कुछ पी के छांव में खड़े हो गए। इधर हसन साहब चरवाहों को बता रहे हैं कि कमरे की छत गिरने वाली है, एहतियात करें। चरवाहे इधर छांव में डेरे पे बैठ के खाना खा रहे थे और कुछ इधर बैठे गपशप लगा रहे थे, तो मैं भी इनके पास कुछ देर बैठ गया और इनके इलाके का हाल हाल पूछा। ये भी कच्चे के इलाके के किसी कबीले के लोग हैं जो इतनी दूर दूर अपने जानवर चराने आते हैं, साथ इनके बच्चे भी देख लें अपनी मस्तियां कर रहे हैं डंडों के साथ।